हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लेंस, जहां हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपको एक अमेजिंग प्लांट के बारे में बताऊंगी, कोलियस। ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, ये सिर्फ पत्ते वाला प्लांट है। बट मैंने फर्स्ट टाइम इसके फ्लावर्स भी देखे। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स लग रहे हैं इसके, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं। मैंने पहले कभी नहीं देखे थे कोलियस के फ्लावर्स, मैंने अभी देखे। इसका पत्ता बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, जैसे कि ये मेरे पास ये वाली वेराइटी है। देखिए पत्ता कितना सुंदर लग रहा है। अब कोलियस इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी। जब आप कोलियस ख़रीदने जाते हैं तब आप अपने नर्सरी में ही पता कर लीजिए कि इसको इंडोर रखना है कि आउटडोर। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका पॉट हमेशा बड़े साइज़ का ही रखना चाहिए, कोलियस का पॉट। तो आप बड़े साइज़ का पॉट ख़रीदें और अपने और नर्सरी से जब भी आप लेके आते हैं ना, आप छोटा मतलब छोटा पौधा लाने की कोशिश करिए, फिर आप उसको अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा पौधा था, ये धीरे धीरे ग्रो हो गया और इसमें फ्लावर्स आने लगे। और ये देखिए इसमें मुझे तो ब्रांचेस भी इसकी धीरे धीरे दिख रही हैं कि ये ब्रांचेस निकल रही हैं इसके अंदर, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये अगर आप इंडोर भी रखेंगे तो आपके घर को मतलब आपको कुछ और डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, द प्लांट्स इट्सेल्फ पूरा डेकोरेट कर देता है। अगर आप इंडोर रखते हैं तो आपको इसको बीच बीच में धूप देना पड़ेगा। सपोज़ आपने इंडोर रखा और आपको दिख रहा है कि इसका पत्ता गिरने लग गया है, जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हुआ है, तो जैसे अगर आप इंडोर रखते हैं और आपको लगता है कि इसका पत्ता थोड़ा गिर रहा है, तो आप इसको थोड़ा धूप दिखा दीजिए। वैसे भी हर एक प्लांट को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।